हेलो नमस्कार सुपर बात मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग डीएलएड एग्जाम का एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड आ गया उसको कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, किसी भी क्रोम ब्राउजर पे जाएंगे और वहां पे आपको क्या करना है, BRABU नहीं सर्च करके क्या सर्च करना है, डीएलएड सर्च कर लेना है। डीएलएड सर्च करेंगे, जैसे आपके सामने सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ऑफिशियल साइट का आ जाएगा। बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट बिहार डॉट गवर्नमेंट डॉट इन का साइट खुलेगा, जिसपे आपको सबसे ऊपर ही स्क्रॉल कर रहा है यहाँ पे डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट एडमिट कार्ड 2022, जस्ट इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक जैसे करेंगे कहाँ पे डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट एडमिट कार्ड 2022, जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार के इंटरफेस पर आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर के साथ साथ पासपोर्ट डालना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि पासपोर्ट आखिर डालना है तो है कौन सा पासपोर्ट, तो मुझे याद नहीं है। तो आप जहां से अप्लाई किए होंगे कोशिश कीजिएगा वहां पे जाएंगे तो आपका पासपोर्ट बहुत सारे कंप्यूटर वाले बहुत सारे साइबर कैफे वाले ऑटो सेव कर लेते हैं, आपका पासपोर्ट सेव कर लेते हैं अगर होगा उनके पास तो निकाल के आपको एडमिट कार्ड दे देंगे। अन्यथा आपको पासपोर्ट याद है तो एप्लीकेशन नंबर आप डालिएगा, जो प्रिंट आउट निकाले थे वहीं पे आपका एप्लीकेशन नंबर भी दिया हुआ है और पासपोर्ट जो आप उस टाइम अपने से सेट किए थे या साइबर कैफे वाले सेट किए थे वह पासपोर्ट आप पता कर लीजिएगा। जो होगा आप दोनों को डालने के बाद इस पर डाउनलोड बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एडमिट कार्ड का एक PDF आ जाएगा, जिसमें आपका नाम होगा, रोल नंबर होगा और उसी के साथ डाउनलोड का एक बटन होगा जिसपे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं आपका एडमिट कार्ड कुछ इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। सबसे ऊपर में आपके क्या रहेगा, रोल नंबर रहेगा, सबसे ऊपर में क्या रहेगा, रोल नंबर रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नाम रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, मदर्स नेम रहेगा और उसके बाद में आवेदन संख्या रहेगा। ये सभी डिटेल्स आप मैच कर लीजिएगा। ऐसे भी एक बार डमी एडमिट कार्ड जारी हुआ था, क्या डमी एडमिट कार्ड जारी हुआ था जिसमें आपको डिटेल्स मैच किए ही थे, तो आपका रोल नंबर सबसे ऊपर ही रहेगा जो एग्जाम हॉल में काम आएगा। और नीचे पे मैं आपको बता दूं कि परीक्षा का केंद्र कहाँ पे दिया गया, तो नीचे वाले बॉक्स में जो दिया गया है, यानी कि यहाँ पे जो परीक्षा केंद्र का नाम पता और सीमा चिन्ह दिया गया है, इसी लाइन पे आपको इसी सेंटर पे पहुंचना है। कहाँ पे, इसी सेंटर पे पहुंचना है, लेकिन कब पहुंचना है, परीक्षा का कब होगा, तो उसके जस्ट नीचे में लिखा हुआ है परीक्षा की तिथि एवं समय, परीक्षा की तिथि एवं समय यानी कि 19 सितंबर 2022 को जिसका एडमिट कार्ड है उसको पहुंचना है, कब, 19 तारीख को पहुंचना है। और यहाँ पे नीचे से एग्जाम टाइमिंग भी लिखा हुआ है, तो आपका एग्जाम कई बजे से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये फर्स्ट शिफ्ट में ही है। आप ध्यान में रखेंगे अगर फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आप एक दिन पहले निकलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका रिपोर्टिंग टाइम तो 7 बजे ही है, यानी कि 7 से 7:30 बजे तक एंट्री करा लेगा। अगर आप 300-400 किलोमीटर से दूर से जाएंगे तो हो सकता है कि आप टाइमली नहीं पहुंच पाए, तो कोशिश कीजिएगा कि एक दिन पहले ही रात में निकल जाए। तो यहाँ पे अपना रिपोर्टिंग टाइम भी दे दिया गया है, कितने बजे आपको रिपोर्टिंग करना है, तो 7 बजे इस स्टूडेंट को रिपोर्टिंग करना है और 7:30 में इसका क्लोज गेट हो जाएगा, यानी कि क्लोज गेट हो जाएगा यानी कि गेट बंद हो जाएगा। और 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपका एग्जाम होगा, आपको तो पता ही है कि 2 घंटा 30 मिनट का एग्जाम होगा। और इसी के साथ यहाँ पे एक और PDF इसी में डाउनलोड होगा, लगभग 5 पेज का है, जिसमें फर्स्ट तो आपका एडमिट कार्ड हो गया, नीचे 4 पेज में आपको इंट्रोडक्शन दिए हुए, जो इंट्रोडक्शन आप पढ़ लीजिएगा, दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि डीएलएड एग्जाम में आपको क्या क्या लेकर जाने हैं और क्या नहीं लेकर जाने हैं, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ई प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड के साथ उपलब्ध ऑनलाइन सबमिट निर्देश को ध्यान से पढ़े। सबसे पहले मैं तो आपको यही दिया गया है कि जो भी जानकारी दी गई है एडमिट कार्ड के नीचे उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप परीक्षा हॉल पे भी पहुंचेंगे। अगर आप लोग अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं तो इस सिलेबस को कंप्लीट भी कर सकते हैं, उसके लिए ये सारे PDF उसी में के हैं। किस में के हैं, आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में के ही है। आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया, आप अपना सिलेबस देख लीजिएगा क्या है आपका। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि डीएलएड एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड डीएलएड एग्जाम के लिए DVS परिवार काफी इंपॉर्टेंट शेड्यूल जारी की थी आज से कुछ दिन पहले और वह शेड्यूल कंप्लीट भी हो गई है। अब आप लोग मैथ का रिविजन भी कर सकते हैं और रीजनिंग का भी रिविजन कर सकते हैं। कब, तो हर दिन सुबह शाम में रिवीजन कर सकते हैं या DVS के यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैथ का भी लगभग 10 से 12 वीडियो पब्लिश हुए, जो क्लास 10th के जितने भी सिलेबस थे सभी कंप्लीट करा दिए गए हैं। और जो अन्य टॉपिक जैसे कि डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके अलावा EMI और बहुत सारे कुछ चैप्टर और भी बाकी रह गए हैं, जो आपको एक ही वीडियो में कंपाइल करके कंप्लीट करा दिया जाएगा आज या कल में।
वह वीडियो मैराथन आएगी जिसमें आपको पूरा शुरू से लेकर अंत तक का सिलेबस कंप्लीट रहेगा मैथ का। और रीजनिंग का तो अपना सिलेबस कंप्लीट हो ही गया, रीजनिंग का अपना सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया। इसके लिए आप एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। और ये रीजनिंग के लिए लगभग 10 से 11 मॉक टेस्ट भी हम लोग दिए हैं। कितने? 10 से 11 मॉक टेस्ट भी दिए हैं। अगर आपके पास टाइम है तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि रीजनिंग का जो क्वेश्चन मैं लेकर आया था उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछने की संभावना है। तो कुछ इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन आएगा, आप उसे ध्यान से देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।